हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम राहुल, कम बैक। दोस्तों आप सब कैसे हैं? गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं ड्राइविंग से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड, सेकंड हैंड कार से रिलेटेड अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि हर स्टूडेंट का अलग अलग कॉन्फिडेंस होता है। और मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है, मैं उनका नाम जान लेता हूँ, क्या नाम है और कौन सा डे है। ये गड़बड़ किया आपने, पहले गियर में कर लो, ऐसे बड़ी गाड़ी से कभी वो नहीं करना चाहिए। जाओ बड़ा गिरी से, समझ रहे हो, स्टार्ट करो। इंजन बुझ गया, आप पूरा क्लच नहीं दबाती हैं, बिना क्लच की गाड़ी स्टार्ट कर रही हैं। जाओ बढ़ाओ, इधर काटो, जाओ, चलो छोड़ो, काटो और काटो, जाओ। अब अगर ऐसे कहीं ट्रैफिक में फंस गई तो क्या हालत होगी? इतनी देर में तो तहलका मच जाएगा, पता है? हाँ। तहलका मच जाएगा, लोग इतना हॉर्न मारेंगे कि आप कान में उंगली डाल के बैठ जाओगी। बढ़ाओ स्पीड, बढ़ा के सेकंड गियर को। जब भी गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो पूरा क्लच दबाना ज़रूरी होता है, बिना क्लच के गाड़ी कभी नहीं स्टार्ट करते। और जो आपने वहाँ पे अभी कांड किया वो नहीं करना था आपको, गाड़ी अपनी लेफ्ट में ही रोक लेनी चाहिए थी। हमारी साइड कौन सी थी? लेफ्ट। और गाड़ी कहाँ लेके भाग गई आप? राइट। अगर अभी ठुक जाती तो गलती नहीं, साइकिल थोड़ी थी वो, जेसीबी थी। अच्छा, समझ रहे, उठा के ऐसे बिठा लेता गाड़ी में, ऊपर टांग देता ऐसे करके, तो बड़ी गाड़ी से पंगे नहीं लेने। क्या नाम है आपका? स्तुति। हाँ, जो नाम पहले लेना था वो बाद में लिया। चलो कोई नहीं, आज कौन सा डे है? 12। ओके राइट, खोल का जाने दो। सो गाइस, आज मैडम का 12 डेज है और बहुत अच्छा चला रही है, बट अभी इन्होंने जेसीबी वाले को बिठाने की कोशिश करी थी गाड़ी में। फर्स्ट टाइम बड़ी गाड़ी आ गई, बड़ी गाड़ी आ गई थी, हार्ट बीट बढ़ गई इनकी और हाथ पैर एकदम फूल गए। चलो कोई नहीं, जाने दो, धीरे धीरे, हल्का लेफ्ट दबा के राइट। हाँ चलते रहो धीरे धीरे। हाँ जाओ रेस करो। ये सब सिंगल रोडों पे चलाना टफ होता है, समझ रहे हो, ये सिंगल रोड है। राइट खोल का जाने दो, गुड। जब भी कभी इंजन बुझ जाए गाड़ी का, तो जब भी उसको स्टार्ट करोगे आप, पहले पूरा, आप क्लच पूरा नहीं दबाती ना, दिक्कत तो यही है, हमेशा पूरा क्लच दबा के फिर गाड़ी को स्टार्ट करना, समझ गए? आप क्या करती हो कि 80% क्लच दबाती हो, लास्ट का जो 20% मेन होता वही नहीं दबाती हो, वही दबाना ज़रूरी होता है। इतनी लंबी हाइट का क्या फ़ायदा बताइए, जो क्लच भी ना दब पाए। 4 फीट की लड़कियाँ क्लच दबा देती हैं ऐसे लटक लटक के। बढ़ाओ जाओ, रेस करो, हल्का जाने दो, दाएं बाएं देखते रहना, ध्यान रखना, कभी भी कोई भी सिचुएशन हो गाड़ी को हमेशा अपनी साइड में रखो। हमारी साइड लेफ्ट है, जब आप पूरी गाड़ी रोक के खड़े हो जाओगे ना, तो सारी जिम्मेदारी सामने वाले की होती है। अगर आप दाएं बाएं ज़बरदस्ती करने की कोशिश करोगे तो भिड़ गई, तो उसमें ये होगा कि आप ही तो निकालने की कोशिश कर रही थी, है ना। जाने दो, कौन से गियर में हैं आप अभी? सेकेंड गियर में, गुड। अभी इंजन खींच रहा है, देखो स्पीड देखो कितनी, 40 पहुंच रही है। और गियर कौन सा है? सेकेंड। तो इसमें तो ये वाली बात होगी, किसी छोटे बाड़क पे ज़्यादा वजन रख दिया है ना, इंजन साउंड कर रहा है। हाँ ये राइट वाला पैर आपका ब्रेक पे आया था? नहीं आया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो कहीं चॉकलेट की दुकान हो, तुमको चॉकलेट दिला दें हम, कितना अच्छा चला रही हो। आगे से राइट का सिग्नल दो और ब्रेक पे पैर रख के गियर डाउन करो, सेकेंड गियर करो, स्लो करो स्पीड, हाँ स्लो, और स्पीड कम करो, यहीं से राइट जाओ, धीरे धीरे टर्न करो, आराम से लेफ्ट आओ हल्का, यहाँ से राइट जाना, सिग्नल, ब्रेक पे पैर, अपना लेफ्ट दबा के राइट काटना, चलो धीरे से, यहीं से राइट। चलो बढ़ाओ धीरे से, हाँ स्पीड बढ़ाओ, हाँ हाँ, चलो अभी स्पीड तो मेंटेन करो, पहले 30+ जाओ, अब क्लच दबा के थर्ड गियर डालो। हाँ देखो एक्सीलेटर से पैर ही नहीं हटाया आपने, देखो उसकी वाट लगाए पड़ी हो ये। चलो जाओ, कोई बात नहीं, भगवान आपका भी भला करे। चलो चलो कोई नहीं, जब भी गियर चेंज करते तो राइट वाला पैर ब्रेक पे आना ज़रूरी है, समझ रहे हैं? सारा गेम
ब्रेक का है ना कि एक्सीलेटर का, लॉन्ग हॉर्न, ये सब गलियां यहाँ से कोई भी प्रकट हो जाता है, समझे। आगे से राइट जाना है, गियर डाउन कर लो यहाँ सेकंड, क्योंकि टर्निंग है, ब्लाइंड टर्न है। हाँ, स्पीड कम करो। हाँ, और अपना लेफ्ट दबा के राइट टर्न करना, कर्व लेके हल्का छोड़ो क्लच ब्रेक, अब राइट काटो, ताकि अगर सामने से ट्रक भी आ जाए ना तो आपने उसके लिए राइट साइड में इतना स्पेस छोड़ दिया है। लोग गलती यही करते हैं कि हमेशा वो राइट दबा के टर्न करने लगते हैं, जो सामने वाला आता है तो उसको जगह नहीं मिलती, फिर भिड़ जाती है या तो फिर आपस में बहस होने लगती है। यहीं से लेफ्ट, जितना आप लेफ्ट रखोगे उतना सुरक्षित रहोगे, ठीक है। अभी ब्लाइंड टर्न है, हॉर्न मारो, लेफ्ट आओ, देखा, चलो पहले गियर में करो, हुआ ना। यही बार बार मैं बोलता हूँ, जाओ धीरे से बढ़ाओ, रेस करो हल्का सा, जाओ रेस करो, रेस चलो बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। देखा वो कहाँ आ रहा था, गलती किसकी, इतनी गलती किसकी थी, उसी की थी, हॉर्न भी मारा था। नहीं, राइट रखो, राइट 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 राइट, और राइट और राइट, लेफ्ट आओ, लेफ्ट 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 आओ। कानून बनाने वाले कानून तोड़ रहे हैं, सब इंस्पेक्टर था वो, ठीक है, और वो गलत चला रहा था। लेफ्ट आओ और लेफ्ट आओ, हल्का राइट रखो, थोड़ा सा राइट, हाँ जाओ, चलो सीधी करो गाड़ी, बढ़ाओ स्पीड, बढ़ाओ, हाँ और बढ़ाओ, चलो क्लच दबा के सेकंड गियर करो। ब्रेक पे पैर नहीं आता है आपका, टाइमली ब्रेक पे पैर आना, इसी वजह से तो एक्सीलेटर दब जाता है। सारा गेम किस चीज़ का है, ब्रेक का, एक्सीलेटर का है, नहीं एक्सीलेटर का है ना, आपको एक्सीलेटर, एक्सीलेटर का वहाँ पे रोल होता है जहाँ पे हमको स्पीड मेंटेन करनी, अदरवाइज टर्निंग पॉइंट, स्पीड, ब्रेकर, गियर चेंज करने के टाइम, इन सब टाइम पे आपका राइट वाला पैर ब्रेक पे होना चाहिए। हाँ, एक्सीलेटर पे होगा तो बिना बात का एक्सीलेटर दबेगा, और जब दबेगा तो फिर बजेगा। हाँ, यही होगा। प्रतिभा जी को उतार दो, बेचारी बहुत देर से परेशान है, बैठी हैं, क्या हाल चाल है मैडम, ठीक है, बस लेफ्ट में यही रोक दो, थोड़ा इनको पैदल चलने दो, पूरा क्लच, हाँ पूरा क्लच, धीरे से ब्रेक, स्टॉप करो, हाँ न्यूट्रल करो, गुड न्यूट्रल, अभी थर्ड गियर है बस। अब लॉक खोलो प्रतिभा जी, आप आराम से देख के खोलना, पीछे जल्दी उतरो, जल्दी जल्दी फटाफट, ई रिक्शा वाला रे गाड़ी रो, खोल दूं मैं, नहीं आराम से, हाँ चलो उतरो जल्दी से, बाय बाय, चलो चलो चलो, अब गियर डालो पहला, हाँ अब राइट का सिग्नल दो, अब हल्का सा रेस लेके तब गाड़ी उठाओ, हल्का सा रेस लेके फिर क्लच छोड़ना, जाओ जाओ धीरे धीरे, जाओ धीरे 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 धीरे, जाओ 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 जाओ, डरो मत डरो मत, चलो 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 क्लच छोड़ो, जाओ 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 जाओ, गुड 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 गुड, वेरी गुड वेरी गुड, गजब, ऐसे ही उठाना चाहिए, समझ रहे हैं, ऐसे गाड़ी बंद नहीं होनी चाहिए। अभी तो बढ़ाओ स्पीड और क्लच दबा के सेकंड गियर करो जल्दी से फटाफट। देखो सूटी, फिर आपका पैर ब्रेक पे नहीं आया, ये ब्रेक 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 पे पैर आना बहुत ज़रूरी है। देखो ये सारा खेल ब्रेक का ही है, लेफ्ट आ जाओ, जाओ स्पीड बढ़ाओ, हॉर्न, क्योंकि ये जो कभी बाय द वे मिस्टेक हो गया ना ब्रेक की जगह, आप ब्रेक दबा रही होगी, ब्रेक दब गया एक्सीलेटर, तो फिर समझ लो दिक्कत हो जाएगी, राइट रखो हल्का, परेशानी हो जाएगी, गाड़ी ठुक भी सकती है, समझ रहे हो। और डिपर भी यूज़ किया करो, जो कि आप नहीं करती हो, बढ़ाओ हल्का, राइट रखो हल्का सा, हाँ स्लो करके, हाँ बस धीरे 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 धीरे, रोक लो, पहला गियर करो, पहला गियर, हाँ चलो बढ़ाओ, जाओ धीरे से, चलो रेस लो हल्का, चलो देखो कितना समझदार है लवान वाला, बढ़ाओ स्पीड, देखा देवी जी हैं प्रकट, स्पीड बढ़ाओ, चढ़ाई यहाँ पर, थोड़ा सा रेस करो और राइट रखो, हाँ और बढ़ाओ, थोड़ा सा रेस जाओ, अब क्लच दबा के सेकंड गियर जल्दी से फटाफट, वेरी गुड, और गियर भी थोड़ा जल्दी चेंज करना, नहीं तो ज़्यादा देर तक क्लच दबा के रखोगे तो स्पीड कम हो जाएगी, और जब स्पीड कम हो जाएगी तो पता है क्या होगा, गाड़ी खड़ी हो जाएगी, जब तक आप गियर चेंज करोगे, गियर क्लच को रिलीज करोगे तो गाड़ी, क्योंकि उसकी स्पीड ही उसको नहीं मिल पाएगी वो। हे प्रभु, जल्दी सिखाओ इनको सबको फटाफट, और हमको छुट्टी दिलाओ, राइट खोल का स्पीड कम, ये गलती जो आप एक्सीलेटर वाली है ना, अगर ये आप अपनी कार में करोगे तो उसमें फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हर बार एक्सीलेटर से पैर उठाने का एक बहाना है, ताकि बाई मिस्टेक गलती से एक्सीलेटर ना दब जाए। हर बार ब्रेक पे पैर लाने का रीज़न ये है कि ताकि आपको एक्सीलेटर टू ब्रेक का हैबिचुअल हो जाओ, आदत बन जाए। राइट की लेफ्ट, कुछ लोगों के माइंड में ये रहता है हमेशा कि उनको ये लगता है कि हमारी गाड़ी बिना एक्सीलेटर चलती नहीं है, क्योंकि जैसे बाइक स्कूटी चलाते हैं,
लेफ्ट आओ, उसमें आदत यही पड़ जाती है, बिना एक्सीलेटर गाड़ी बाइक चलती नहीं, खड़ी हो जाएगी, स्कूटी भी नहीं चलती है, बड़ा रेस करो, जाने दो धीरे धीरे, हाँ लेफ्ट आओ हल्का, बढ़ाओ धीरे धीरे, जाने दो धीरे धीरे, गुड। अब देखो गियर तो आपने बहुत अच्छा डाला, बट अभी स्टीयरिंग लहरा गई थी, तो स्टीयरिंग क्यों लहराई, क्योंकि आपने 12 o'clock पे स्टीयरिंग को नहीं पकड़ा, जब भी आप गियर चेंज करती हो तो आप 3 पे पकड़ती हो, गियर डाउन करो, हाँ चलो 3 पे पकड़ती हो, जिसकी वजह से स्टीयरिंग बबल कर जाती है, बढ़ाओ स्पीड। 12 o'clock का मतलब ये जो घड़ी का टाइम होता है वॉच टाइम, तो 12 पे पकड़ोगे तो स्टीयरिंग हाँ लहराएगी, टाइट नहीं करना, ढीले हाथों से उसको ग्रिप नहीं बनाना है, जाने दो आगे से लेफ्ट, चलते रहो डरो मत, बढ़ाओ स्पीड, हाँ यहीं से लेफ्ट आराम से, टर्न करो फुल, जाओ जाओ क्लच ब्रेक छोड़ो, जाओ सीधी करो, सीधी 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 जाओ, स्पीड बढ़ाओ, राइट और कॉल का राइट, बस स्पीड, हाँ धीरे धीरे जाओ, रेस करो, स्पीड बढ़ाओ, जल्दी से आगे निकालो इससे, हाँ अभी राइट का सिग्नल दो नीचे को, सीधा जाना है, चलो चलो आगे जाके राइट टर्न करना है, ये जो गाड़ी में झरका आ रहा है ना वो पैरों की वजह से आ रहा है, सीधी करो, स्पीड बढ़ाओ, हाँ चलो स्पीड बढ़ाओ, लेफ्ट का सिग्नल दो, राइट ऑफ कॉल का हल्का राइट, राइट काटो, चलो यहाँ से लेफ्ट, स्लो करो ब्रेक पे पैर रख के आराम से, हाँ जाने दो धीरे से, हाँ टर्न करो आराम से, हाँ स्पीड बढ़ाओ, जाओ रेस करो, हाँ जाने दो, अभी स्पीड बढ़ाओ, अब थर्ड गियर डालो, थर्ड गियर नहीं लगा, अरे अरे सामने देखो, सामने देखो लहराई, फिर स्टीयरिंग आपका हाथ दे, ये इससे आपको नुकसान, नहीं 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 नहीं, ये 2-3 कमियां बहुत हैं, एक राइट वाला पैर आपका टाइम पे ब्रेक पे नहीं आता, दूसरी चीज़ स्टीयरिंग आप सही से नहीं पकड़ती हैं, स्टीयरिंग टाइट नहीं करना होता है, ढीले हाथों से ऐसे करके हाथ हटाओ, ऐसे करके रखना होता है, ताकि स्टीयरिंग छोड़ के भी चलाओगी तो स्टीयरिंग लहराएगी नहीं, वो आपके हाथ की वजह से, जब लेफ्ट हैंड से आप गियर खींच रहे हो तो राइट वाला हाथ भी मूवमेंट में आ जा रहा है, इसलिए स्टीयरिंग लहरा जा रही है, समझ रहे हो, ऐसे ही रखना है ना, हाँ गियर बदलने के टाइम, जाने दो। सो गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, जय हिंद वंदे मातरम।